Good afternoon, dear student. Welcome to Jitendra English classes. Today I will teach adverb and adverbials. You have already studied about the adverb and adverbial. Look at the some example. Tina dances gracefully. These apples are quite juicy. Raju writes very neatly. यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका gracefully, quite, very और neatly, ये सारे words जो हैं क्या हैं, आपके adverb हैं. Look at the first sentence. Tina dance. In the first sentence, the word gracefully. The gracefully tell us how Tina dance. यानी Tina ने dance कैसे किया? Very gracefully. यानी कि gracefully, बड़े ही अच्छे तरीके से. तो gracefully qualifies the verb dance. यानी यह क्या करता है, ये डांस जो वर्ड है इसको यह ग्रेसफुली वर्ड एडवर्ब जो है क्वालिफाई करता है. इन द सेकेंड सेंटेंस दिस एप्पल्स आर क्वाइट जूसी. इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ड क्वाइट टेल अस हाउ जूसी द एप्पल आर. यानी सेकेंड सेंटेंस जो है, जो वर्ड यहाँ पे क्वाइट है वह हमें यह बताता है कि हाउ जूसी एप्पल आर, कि वह एप्पल का जूस किस तरह का है. इसका मतलब यहाँ पे क्वाइट यानी किसको क्वालिफाइज करता है, एडजेक्टिव जूसी. यहाँ पे जो वर्ड है जूसी वह एडजेक्टिव वर्ड है और इसको यह क्वालिफाई करता है. फिर थर्ड सेंटेंस द राजू राइट्स वेरी नीटली. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन द थर्ड सेंटेंस द वर्ड वेरी टेल अस हाउ नीटली राजू राइट्स. यानी द वर्ड वेरी जो है हमें यह बताता है कि राजू कितना अच्छा, नीटली मैंने कितना साफ सुथरा लिखता है. तो एक तरह से वेरी टेल अस मोर अबाउट द एडवर्ब नीटली. यानी यहाँ पे वेरी वर्ड जो है वह फिर किसके बारे में बताता है, एडवर्ब नीटली के बारे में और अधिक बताता है. फिर द इस तरह से द वर्ड ग्रेसफुली, क्वाइट, वेरी आर द एडवर्ब. एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब. इस तरह से एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, यानी वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है या अनदर एडवर्ब. तो देर आर मैनी काइंड ऑफ द एडवर्ब. एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं. जैसे एडवर्ब ऑफ द टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस द व्हेन. एडवर्ब टाइम क्या करता है, हमें समय को बताता है सेंटेंस में. जैसे लुक एट द एग्जांपल, सी रिच होम लेट. वह जो है घर लेट पहुंचा. तो यहाँ पे जो लेट वर्ड है या क्या है, एडवर्ब है. सेकंड सेंटेंस में यानी कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हेन डिड सी रिच होम, वह घर कब पहुंचा, लेट. सेकंड सेंटेंस में रीमा रिसेंटली ओपन अ न्यू स्टोर. अब यहाँ पे देखिए रिसेंटली, रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हेन डिड रीमा ओपन अ न्यू स्टोर, यानी कब खोला. तो हमें आंसर क्या मिलेगा, रिसेंटली यानी हाल ही में. तो यानी अगर हम व्हेन से क्वेश्चन करके अगर इसमें हम फाइंड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यह क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम. सेकेंड सेंटेंस में दिया है कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन. यानी एडवर्ब फ्रिक्वेंसी में हम आंसर कैसे पता चलेगा, अगर हम उसमें क्वेश्चन किससे करते हैं, हाउ ऑफन. हिज ग्रैंडफादर सेल्डम गोज आउट. तो हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं कि हाउ ऑफन डज हिज ग्रैंडफादर गो आउट. तो उसके पिताजी, उसके दादा, ग्रैंडफादर कितनी बार यानी जाते हैं, बाहर जाते हैं. तो सेल्डम का आंसर मिलेगा यानी कभी कभी. तो सेल्डम यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है. उसी तरह से बीना हैज़ ओन दैट अवार्ड ट्वाइस. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं हाउ ऑफन हैज़ बीना ओन दैट अवार्ड, यानी बीना ने वह अवार्ड कितनी बार जीता. तो आंसर मिलेगा ट्वाइस. ट्वाइस का मतलब यानी कि दो बार. तो यहाँ पे यह क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. अब हम आगे देखते हैं कि अगला कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. यहाँ पे हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस
टेल अस वेयर। अगर हम एडवर्ब प्लेस यानी कि हम अगर हम क्वेश्चन उसमें यानी क्वेश्चन वर्ड वेयर से पता करते हैं तो हमको पता चलता है कि यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे द डॉग फॉलोवर्ड हिज मास्टर एवरीवेयर। तो अगर हम यहाँ करेंगे कि वेयर डिड द डॉग फॉलो हिज मास्टर, यानी कुत्ते ने अपने मालिक को कहाँ कहाँ पीछा किया, एवरीवेयर। तो आंसर मिला हमें एवरीवेयर। तो यहाँ एवरीवेयर क्या है आपका, एडवर्ब है। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में मिस्टर रेड्डी इज़ वेटिंग आउटसाइड। तो हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं वेयर इज मिस्टर रेड्डी वेटिंग, मिस्टर रेड्डी कहाँ इंतज़ार कर रहे थे। तो आंसर मिला आउटसाइड। यानी वेयर से अगर क्वेश्चन करने से हमको ये पता चल जाता है कि यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब आते हैं थर्ड, एडवर्ब ऑफ द मैनर। आंसर द क्वेश्चन हाउ, माई आंटी स्लिप्स साउंडली। क्वेश्चन करेंगे कि हाउ डज माई आंट स्लिप, मेरी आंटी कैसे सोती है, साउंडली। साउंडली का मतलब होता है गहरी निद्रा में। इसका ये आंसर हमें मिला, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि साउंडली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर नेक्स्ट है राघव फेयर्ड पुअरली इन हिज एग्जाम। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे कि हाउ डिड राघव फेयर इन हिज एग्जाम, और राघव ने अपने एग्जाम में कैसा, किस तरह का डर था, यानी किस तरह से किया, किस तरह का फेयर किया। तो पुअरली, बहुत ही ख़राब। तो यहाँ पे जो ये पुअरली वर्ड है ये आपका क्या है, यह आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री। टेल अस हाउ मच या हाउ लिटिल, दिज आर ऑफन कॉल्ड द इंटरस्फायर। यह हमको बताता है जैसे एमलीज प्लेज द पियानो क्वाइट वेल। एमली ने क्या करती है, यानी कि हाउ मच, हम यहाँ से क्वेश्चन करते हैं हाउ मच डज एमली प्ले द पियानो। तो आंसर मिलेगा क्वाइट वेल, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्वाइट एंड वेल आप देख रहे हैं, यानी क्वाइट वेल यानी क्वाइट क्या है आपका, यह एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नेक्स्ट है वी वर रादर अनकम्फर्टेबल। तो हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे हाउ मच वर वी अनकम्फर्टेबल। तो रादर, तो एक तरह से यहाँ पे देखिए क्वाइट और यहाँ पे रादर और आई रियली रियली वर्ड और यहाँ पे एब्सोल्युटली, ये सारे जो वर्ड हैं यह क्या करते हैं, ये एक तरह से एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। ये ज़्यादातर आपको एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। अब लास्ट में एडवर्ब ऑफ द मॉडिफाई एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑफ द फीलिंग ऑफ द स्पीकर। इट विल रेन टुडे, यहाँ पे टुडे क्या है, एडवर्ब है। इट विल होपफुली आपका एडवर्ब है, टुडे भी एडवर्ब है। ही विल नॉट बिलीव मी या ही विल प्रोबेबली नॉट, यहाँ पे प्रोबेबली आपका एडवर्ब है। तो इस तरह से हम एडवर्ब के बारे में जाने। अब डू द एक्सरसाइज। पहला क्या रहा है, अंडरलाइन द एडवर्ब एंड व्हाट काइंड दे आर। पहले तो हम इसमें बताएंगे कि सबसे पहले कौन सा एडवर्ब है। तो एडवर्ब यहाँ आपका क्या है, एक्सट्रीमली है। अब इसका व्हाट काइंड दे आर, किस प्रकार के एडवर्ब हैं, आपने भी पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ द मॉडिफाइज मॉडलिटी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जो यहाँ पे आपका देखेंगे कि ये वर्ड, इसके बाद डिफ़िकल्ट क्या है, डिफ़िकल्ट आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली आया, यानी कि अगर एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सेकेंड सेंटेंस में माय डॉटर लाइक्स टू प्ले आउटसाइड। अब यहाँ पर देखिए आउटसाइड आपका क्या है, एडवर्ब है।
अब ये एडवर्ब किस प्रकार का है? आउटसाइड, ये एक तरह से प्लेस को बता रहा है, आउटसाइड यानी कि बाहर। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर नेक्स्ट आते हैं, ही इज़ ऑफन लेट फॉर हिज क्लास। ऑफन ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी जो है जिसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ, ऑफन करके, यानी एडवर्ब फ्रिक्वेंसी है। नेक्स्ट है, हिज मा सिस्टर इज क्वाइट गलीबली। तो ये क्वाइट वर्ड क्या है, ये क्वाइट वर्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्योंकि इसके बाद गलीबल ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। फिर शीतल इज प्रोबेबली एट वर्क। तो यहाँ पे प्रोबेबली क्या होता है, शायद, है ना। तो शायद या हमेशा, ये सारे किसमें आते हैं, ये सारे जो हैं आपके एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में आते हैं। राजीव विल नेवर, नेवर आपका क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, और इसमें यह किसमें आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में। उसी तरह सी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पे फ्लुएंटली, फ्लुएंटली क्या एडवर्ब है, और यह कितना किसमें आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर में। एडवर्ब ऑफ मैनर में ज़्यादातर हम एल वाई लगा के बनाते हैं, है ना। आस्क हिम टू प्लीज़ गो अवे। अब यहाँ पे अवे, अवे का मतलब होता है दूर, यानी कि कहीं दूर जाने के लिए इंडिकेट कर रहा है, इसलिए अवे यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सी विजिट हर मदर ओकेजनली। ओकेजनली मीन्स मतलब यदा कदा, कभी कभी। तो एक तरह से यह क्या कहता है, कब, यानी वेन क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता चलेगा यदा कदा। ये ओकेजनली वर्ड क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ द टाइम। ही हैज़ अनयूजुअली लार्ज फिट, असाधारण। यह क्या है, लार्ज फिट, अनयूजुअली, असाधारण, यानी लार्ज फिट है। तो अनयूजुअली लार्ज फिट, इसका मतलब ये क्या है आपका, ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। उसी तरह से फॉर्चुनेटली क्या है, फॉर्चुनेटली एडवर्ब ऑफ मैनर। सीमा लेफ्ट फॉर लंदन यस्टरडे, यस्टरडे आपका क्या होगा, एडवर्ब ऑफ द टाइम। सोनू वाज रियली, रियली क्या है, रियली अभी आपको हमने दिखाया कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। फ्रेंकली, फ्रैंक या फ्रेंकली, आई डोंट केयर, यह भी आपका है एडवर्ब ऑफ मैनर। हीना ऑलवेज, ऑलवेज क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। उसी तरह से अब हम आते हैं ही, हुमा विल ऑलवेज, ऑलवेज भी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ कलरफुल डे।